हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न योर न्यू चैप्टर दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट बिफोर लर्निंग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट we will learn something about magnetism. तो magnetism पढ़ने का से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से nearly 2000 years पहले, मतलब before 2000 years, magnetism was known to Greek people. So, before 2000 years, this phenomenon of magnetism was known to Greek people. क्या होता था कि जब वो उनमें से कुछ शेफर जो है जाते थे तो उनके जो शूज होते थे, है ना, उसके अंदर जो है जो नेल्स होती थी, नेल्स ऑफ आयरन, they got stuck. With the land. है ना? या तो फिर उसके जमीन से जो है वो उनकी जूतों की जो नेल्स होती थी वो चिपक जाती। अब क्या होता था यहाँ पर कि ये पुराने जमाने में जो मैग्नेशिया नाम का जो रीजन था उसमें ये सब चीज़ें हो रही थी। ग्रीक पीपल को सबसे पहले 2000 इयर्स के बारे में, 2000 इयर्स से पहले ये सब चीज़ें पता थी, है ना। अब यहाँ पर क्या होता था कि जो मैग्नेशिया जो रीजन था उसके अंदर जो शेफर्ड जाते थे उनके जूते जो है चिपक जाते थे, है ना। तो ये वाला जो सबसे पहले जो है मैग्नेटिज्म के बारे में ग्रीक पीपल को सबसे पहले पता था। अब मैग्नेशिया जो है ना, ये रीजन के नाम पर से ही हमको मैग्नेटिज्म ये वर्ड मिला है। मैग्नेटिज्म कम्स फ्रॉम दिस वर्ड मैग्नेशिया। अब उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास मैग्नेटिज्म ऐसा था, फिर उसके बाद जो है ऑर्स्टेड, ये एक साइंटिस्ट आया, ये साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्चुअली एक्सपेरिमेंट नहीं था वो, लेकिन वो अपने क्लास में बच्चों को कुछ पढ़ा रहा था तो उसने एक चीज ऑब्जर्व की। वो क्या थी कि यहाँ पर उसके पास ऐसे सर्किट थी, सपोज दिस इज बल्ब, है ना, ये वाली सर्किट थी बैटरी एंड ये वाली थी स्विच थी। अब यहाँ पर जो है वो कंपास पड़ा था, नीडल वाला, है ना, जो मैग्नेटिक नीडल थी वो कंपास पड़ा। तो अब जो है जब उसने स्विच ऑन किया तो दिस मैग्नेटिक नीडल गॉट डिफ्लेक्टेड, ये ऐसी थी तो उसमें ऐसा डिफ्लेक्शन आ गया, मतलब ये नीडल ऐसी थी तो उसमें डिफ्लेक्शन आया और फिर बाहर की जगह पर वो वापस चली गई। फिर उसने स्विच ऑफ किया तो वापस वैसा ही डिफ्लेक्शन हुआ, है वापस जो है डिफ्लेक्शन हुआ। अब उसने क्या कर दिया, उसने वो टाइम पे तो ऑब्जर्व किया लेकिन फिर बाद में ये एक्सपेरिमेंट को उसने उल्टा करके देखा कि इसको नेगेटिव टर्मिनल बना दिया और इसको पॉजिटिव टर्मिनल बना दिया और फिर बाद में वही स्विच ऑन और ऑफ किया तो क्या हुआ, मैग्नेटिक नीडल उससे ऑपोजिट डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो गई। मतलब करंट है समथिंग टू डू विद द मैग्नेटिज्म। मतलब उसके बाद ये प्रूव हो गया कि जब करंट चलता है सर्किट में तो ये वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, है ना, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट होती है, इसको हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में हम लोग कहते हैं। ओके, सो मैग्नेटिज्म के कितने सोर्स हैं, मैग्नेटिज्म देर आर टू सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म के दो सोर्स हैं, वन इज परमानेंट मैग्नेट, वन इज परमानेंट मैग्नेट
एंड द अदर इज वन इज परमानेंट मैग्नेट एंड द सेकंड वन इज वी कैन से यहां पर इलेक्ट्रिक करंट है ना। तो परमानेंट मैग्नेट से भी आपको मैग्नेटिज्म मिलेगा और इलेक्ट्रिक करंट से भी आपको मैग्नेटिज्म मिलेगा। ओके, सो परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक करंट, दीज आर टू सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिज्म। अब आप लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म से पढ़ने से पहले हम लोग जो है उसके बारे में पढ़ेंगे कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट मैग्नेट्स? सो परमानेंट मैग्नेट्स आर द सॉलिड पीसेस, परमानेंट मैग्नेट्स आर द सॉलिड पीसेस है ना, विच अट्रैक्ट्स मटेरियल लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा। सो परमानेंट मैग्नेट्स आर द सॉलिड pieces which attracts substances like iron, nickel and cobalt So permanent magnets are the solid pieces which attract substances like iron, nickel and cobalt. So these are nothing but these are permanent magnets. Okay, अब देखिए कोई भी permanent magnet होगी तो उसकी कौन सी properties होगी। देखिए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे magnetic effect of electric current के बारे में, लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि magnetism के बारे में human being को मालूम था 2000 years before, मतलब आप जो है आज से 2000 साल पहले से ह्यूमंस को जो है मैन टाइम को जो पूरा मालूम था कि मैग्नेटिज्म नाम की कोई चीज़ है जिसकी वजह से उनके जूते में जो नेल्स होती थी वो नेल्स जो है चिपक जाती थी, किससे? जमीन से चिपक जाती थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि देर आर ऑस्टेट ने भी जो है 1900 में या तो 1920 में एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर ये पता चला कि जब करंट चलता है तो करंट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, दैट वी विल सी लेटर ऑन। अब उसके बाद जो है हम लोगों ने ये भी देखा कि देयर आर टू सोर्सेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो मैग्नेटिज्म के दो सोर्सेस हैं, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रिक करंट। तो परमानेंट मैग्नेट आर सॉलिड पीसेस व्हिच अट्रैक्ट्स सब्सटेंसेस लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। सो परमानेंट मैग्नेट्स आर सॉलिड पीसेस व्हिच अट्रैक्ट्स आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अब देखिए बेटा हम लोग जो है परमानेंट मैग्नेट में जनरली बहुत सारे मैग्नेट्स होते हैं जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर जनरली जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज बार मैग्नेट है ना। ये बार मैग्नेट जो है इज जनरली यूज परमानेंट मैग्नेट। नाउ वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ परमानेंट मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट है ना, तो बार मैग्नेट देखा गया कि यहाँ पर नहीं, उसके एंड पे नहीं, लेकिन यहाँ पर उसका नॉर्थ पोल होता है एंड दिस इज गोइंग टू बी द साउथ पोल। यहाँ पर बार मैग्नेट है, ये वाला नॉर्थ पोल होता है और दूसरा जो होता है यहाँ पर वो होता है साउथ पोल। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट वी विल लर्न अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट है ना। तो सबसे पहले मैं मेरी जो प्रॉपर्टी है वो बार मैग्नेट की इज द एट्रैक्टिव नेचर, एट्रैक्टिव नेचर ये पहली प्रॉपर्टी बार मैग्नेट की। व्हाट हैपेंस इफ यू स्प्रिंकल आयरन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट, सो इट अट्रैक्ट्स द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे, लेकिन इट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट है ना। तो ये वाला जो है पहली प्रॉपर्टी है कि इट अट्रैक्ट्स द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और स्प्रिंकल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। सेकंड वन इज द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी
So second is the directional property. Now in this directional property, what happens that when a bar magnet is suspended, when a bar magnet is suspended, it aligns itself. When bar magnet is suspended, it aligns itself in the direction of north south, है ना? ये उसकी direction property है। ये देखिए, bar magnet को जब suspend किया जाता है, it aligns itself in the direction of north south। जब यहाँ से अगर आप इसको ये bar magnet को suspend करोगे, तो when the bar magnet is suspended, it aligns itself in the direction of north south. This is the second property of the bar magnet. That means it aligns itself into north and south. So video ko pause karke iski note banaiye. Okay, video ko pause karke. Now the third property of the bar magnet. Third property of the bar magnet is like this. That poles exist. Pole exists in pair. तो bar magnet में जो अगर आप देखोगे तो poles जो है poles exist in pair. तो अगर आप देखोगे यहाँ पर कि suppose this is north pole of the bar magnet, this is south pole of the bar magnet, है ना? तो ये north pole और ये south pole. अब ये इसके जो है हम लोग poles है, north pole and south pole, है ना, in pairs. अगर कोई ऐसा बोलेगा कि मैं इसको दो part में divide कर दूंगा, तो ये दो part में जो है suppose ये bar magnet divide हो गया, तो यहाँ पर north pole अलग और south pole अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर नॉर्थ पोल, तो यहाँ पर साउथ पोल ऑटोमेटिकली नया क्रिएट होगा, और यहाँ पर जो है नॉर्थ पोल क्रिएट होगा, मतलब न्यू नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विल बी क्रिएटेड. तो देखेंगे आप लोग इसमें भी देखेंगे, यहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ पोल. अगर क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, इसको डिवाइड कर दिया. इफ आई डिवाइडेड द नॉर्थ पोल, देन द नॉर्थ एंड साउथ, नॉर्थ साउथ पोल विल, न्यू नॉर्थ एंड साउथ पोल विल बी क्रिएटेड. अगर इसको आप फर्दर डिवीजन करोगे, तो यहाँ पर ये वाला नॉर्थ पोल, ये वाला साउथ पोल, ये वाला साउथ पोल और ये वाला नॉर्थ पोल, है ना? तो ये वाला जो है आपको यहाँ पर पोल्स एक्सिस्ट इन द पेयर, तो ये वाला जो है आपके पास क्या हो गया, ये पोल जो है वो एक्सिस्ट करेगा इन पेयर्स. दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी ये वाला हो जाएगा कि लाइन पोल्स repel each other, and unlike poles, attract each other. This is the fourth property. जैसे आप north pole और south pole, और यहाँ पर भी south pole और north pole दो bar magnet ऐसे रख दो, एक bar magnet ऐसा हो गया, दूसरा bar magnet ऐसा हो गया, तो there will be a repulsion between these two poles. अब आप देखोगे यहाँ पर ये north pole, ये south pole, ये वाला आपके पास north pole और ये south pole, तो ये वाला attraction हो जाएगा दोनों के बीच में. अब आप देखोगे यहाँ पर ये north south pole, north pole, और यहाँ पर north pole south pole, तो वापस repulsion हो जाएगा. So like poles repel each other and unlike poles attract each other. ये वाला जो है हमारे पास fourth property है. And the fifth property is nothing but it is inductive nature. So fifth property will be inductive nature. है ना? तो fifth property will be inductive nature. देखिए कैसा inductive nature? जैसे आपने जो है suppose ये bar magnet, if bar magnet is kept near a ferromagnetic material like iron or cobalt. Suppose this is cobalt, है ना? तो ये वाला हमारे पास cobalt है, and if the north pole
and the south pole of the bar magnet is like this, and if the bar magnet is kept near a ferromagnetic plate for a long time, देखिए लॉन्ग टाइम एक उसके अंदर जो है यहाँ पर अगर रख छोड़ा गया तो यहाँ पर भी मतलब इस कोबाल्ट में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल गेट डेवलप्ड। यहाँ पर भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये कोबाल्ट जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल डेवलप। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए ये दोनों को एक दूसरे के करीब में रखा गया तो व्हाट एक्चुअली विल हैपन, दिस कोबाल्ट will also start behaving like a magnet। मतलब ये इसके अंदर भी magnetic property develop हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका cobalt का south pole develop होगा, यहाँ पर north pole develop होगा। अगर जो इसको हटा लिया जाए तो ये भी एक magnet की तरह behave करने लगेगा। तो ये magnetic properties initially यहाँ पर बहुत weak होगी, है ना, लेकिन ये magnet की तरह behave करने लगेगा। So this is nothing but this is inductive nature। तो यहाँ पर देखिए, दिस फिनोमिनन इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। ये फिनोमिना जो है इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज मैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इंडक्शन, इफ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम नियर अ बार मैग्नेट और अ परमानेंट मैग्नेट, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विल ऑल्सो गेट डेवलप इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। And this is inductive nature of the ferromagnetic material। Now, ये वाली तो properties हो गई। अब एक experiment जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब ये experiment क्या है, देखिए अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर, तो suppose यहाँ पर आपके पास एक bar magnet है, suppose this is not tension। अब यहाँ पर देखेंगे तो suppose ये cardboard है, okay? So what is this? This is cardboard, है ना? So this is cardboard। और अगर आपने यहाँ पर इस cardboard के ऊपर ये permanent magnet को रख दिया, and if you sprinkle iron fillings, है ना? यहाँ पर अगर आप iron fillings को ऐसे sprinkle करोगे, ऐसे आपने iron filling को यहाँ पर sprinkle कर दिया, okay? और if you take this cardboard, ऐसे आप इसको टैप करोगे, मतलब if you allow this iron filings to move, है ना, इसको अगर move करने का so allow करोगे, so what actually will happen, this iron filling will align itself like this। ऐसे यहाँ पर आपको iron filling, ये आपको ऐसे यहाँ पर this is iron filling, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा होगी। सो वॉट एक्चुअली विल हैपन कि यहाँ पर आपको जो है आयरन फिलिंग्स ऐसे मिलेगी। सो दिस लाइन्स आर, देखिए आपको आयरन फिलिंग की लाइन्स मिलेगी। दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्चुअली वॉट हैपन्स, दिस एक्चुअली दिस लाइन्स आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। इसको हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, है ना। तो ये वाली आपके पास जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये आयरन फिलिंग्स को अगर आपने स्प्रिंकल करके इसको टैप कर दिया तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आयरन फिलिंग्स जो है एक स्पेसिफिक पैटर्न में अपने आप को अलाइन कर देगी और यहाँ पर जो लाइन्स मिलेगी दिस आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट, है ना। फिर उसके बाद अगर आप जो है यहाँ पर अगर आप नया मैग्नेट बनाना चाहते हो तो नया मैग्नेट भी आप ऐसे बना सकते हो। सपोज इफ यू वांट टू मेक अ न्यू मैग्नेट, तो टेक अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लाइक दिस, है ना, ये स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट लीजिए और किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को या तो उसके पास बहुत लॉन्ग टाइम तक रखिए या तो फिर जो है उसको ऐसे घुमाइए, है ना। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट एंड यू हैव टेकन अ स्फीयर ऑफ आयरन हियर, और अगर आप उसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे घुमाते रहोगे सो व्हाट विल हैपन, द स्फीयर विल ऑल्सो डेवलप अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो ये भी दूसरी चीज़ है कि जो आप जो है आप यहाँ से उसको कर सकते हो, है ना। तो ये आप परमानेंट मैग्नेट जो है बना सकते हो, ये वाला आपके पास हो गया। तो अब परमानेंट मैग्नेट बन गया। अब आप अगर देखोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल,
जैसा आपने यहाँ पर ये कार्डबोर्ड ले लिया, यहाँ पर कार्डबोर्ड ले लिया, और ये कार्डबोर्ड के अंदर सपोज इफ यू मेक अ होल स्मॉल होल एंड इफ यू पास अ वायर फ्रॉम हियर, अगर यहाँ से आप वायर को पास करोगे और यहाँ पर बैटरी रखोगे और यहाँ पर आप आयन फिलिंग्स को आप स्प्रिंकल कर दोगे और इफ यू अलाउ द करंट टू पास थ्रू दिस वायर और अगर आप इसको टैप करोगे सो व्हाट विल हैपन, ये जो आपके पास आयन फिलिंग है ये आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न में आपको ऐसे मिल जाएगा, तो ये वाला स्पेसिफिक पैटर्न में आपको मिल जाएगा। सो ये वाला आपके पास हो गया आयन फिलिंग्स, आपने ऐसे कर दिए, यहाँ पर ये वाला हो गया आपके पास आयन फिलिंग, है ना। तो ये एक स्पेसिफिक पैटर्न में ये ऐसे यहाँ पर अपने आप को अलाइन कर देगा। सो व्हाट एक्चुअली वी वांट टू से दैट द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द वायर, दैट इज करंट फ्लोइंग through the conductor, conducting wire through the conducting wire, through the conducting wire also shows magnetic properties. The current flowing through the magnetic wire also shows a magnetic property, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी करंट के आसपास क्या होता होगा, तो यहाँ पर भी करंट के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, तभी तो ये हमको रिजल्ट मिल रहा है। डैट मीन्स करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर इज ऑल्सो गिविंग अस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग आगे देखे जाएंगे तो हम लोग जो है ऑर्स्टेट का वापस एक बार पूरा जो है एक्सपेरिमेंट हम लोग वापस देख लेते हैं। तो क्या हुआ था, ऑर्स्टेट जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ये साइंटिस्ट था या टीचर था, तो उसको जो है अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, तो क्या देखा उसने, यहाँ पर सपोज ये वाली बैटरी है, दिस इज द स्विच एंड दिस इज द कंडक्टिंग वायर। अब यहाँ पर एक्सीडेंट थी, यहाँ पर एक मैग्नेट पड़ा था, जो मैग्नेट आता था छोटा सा कंपास, ये उसके अंदर ये मैग्नेटिक नीडल थी, जब उसने स्विच ऑन किया यहाँ पर तो करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाली मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हुई और वापस अपनी जगह पर आ गई, मतलब ये मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हुआ और वापस अपनी जगह पर आ गई। अब उसने ये देखा कि मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन क्यों हुआ, वापस उसने स्विच ऑफ किया और वापस स्विच ऑन किया, वापस वैसा ही उसको रिजल्ट मिला, मतलब जब जब वो करंट को अलाउ करता था टू पास थ्रू द सर्किट तो ये वाला डिफ्लेक्शन बताती है। अब उसने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो पोल्स थे उसको चेंज कर दिया, ये वाला नेगेटिव बना दिया, ये वाला पॉजिटिव बना दिया, अब यहाँ पर जो करंट की डिरेक्शन बदल गई, तो करंट की डिरेक्शन बदली, मतलब ये वाला आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये वाला आपके पास नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो ये वाली अगर ये बदल गई तो ये वाली जो नीडल जो है उसने भी ऑपोजिट डिरेक्शन में डिफ्लेक्शन करना स्टार्ट किया, मतलब उसको कैसे रिजल्ट मिले, जो प्रीवियसली मिल रहे थे एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट डिरेक्शन में उसको यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिला। तो क्या मतलब हुआ, करंट जो डिरेक्शन में चल रहा है उससे भी जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है, मतलब क्या हुआ होगा बाद में इट वॉज प्रूव कि यहाँ पर जब करंट चलता है ना तो करंट चलने के वजह से यहाँ पर जो कंडक्टिंग वायर है तो कंडक्टिंग वायर के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। दैट मीन्स प्रीवियसली इट वॉज बिलीव दैट इलेक्ट्रिसिटी, प्रीवियसली इट वॉज बिलीव दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म बोथ आर डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, लेकिन फिर बाद में पता चला कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग नहीं है, बट दे आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म होगा और जहां पर मैग्नेटिज्म होगा वहां पर इलेक्ट्रिसिटी भी होगी, मतलब ये दो अलग अलग फिनोमिनन नहीं है, ये एक ही फिनोमिनन के दो पार्ट है, इसलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म नाम की एक नई ब्रांच जो है
फिजिक्स में डेवलप हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पर मैग्नेटिज्म भी होगा, और जहां पर मैग्नेटिज्म होगा वहां पर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी भी होगी। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो हम लोग पहले अलग अलग मानते थे उसमें अलग अलग चीज़ नहीं है, लेकिन जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, और मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी दे आर एसोसिएटेड और रिलेटेड विद ईच अदर। तो ये वाला जो है हम लोगों के पास ऑर्स्टेटिव से पता चला। अब हमारे पास देखिए ऑर्स्टेट ने फिर बाद में ये बताया कि जब इलेक्ट्रिक करंट चलता है ना, तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है? डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग अ राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, है ना। जो कन्वेंशनल करंट है ना, वो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन में आप अपना थंब को मूव करो एंड कॉल योर फिंगर लाइक दिस, कॉल योर फिंगर लाइक दिस। सो इफ यू कॉल योर फिंगर लाइक दिस, सो व्हाट एक्चुअली विल हैपन कि यहाँ पर जो है जिस डायरेक्शन में आपकी फिंगर कॉल हो रही है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन ऐसी होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर इज गेटिंग कॉल्ड। नाउ सपोज अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, दिस इज द बार मैग्नेट। तो यहां पर जो है इट वॉज प्रूव दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे ओरिजिनेट, दे गेट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। यहाँ पर नॉर्थ पोल से वो लाइन्स ओरिजिनेट होती है और साउथ पोल की तरफ चलती है। मतलब यहाँ से आप देखोगे तो वो लाइन जो है यहाँ से जनरेट होकर यहाँ पर चलती है और यहाँ पर ये मिल जाती है, मतलब ये क्लोज लूप बनाती है ना। तो यहाँ से जो है नॉर्थ पोल से अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला हमारे पास नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये वाला भी हमारे पास जो है देखेंगे तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और ये वाला भी हमारे पास देखेंगे नॉर्थ पोल से साउथ पोल। मतलब नॉर्थ से जो है चलती है और साउथ पोल की तरफ चलती है। दिस मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर नथिंग बट दे आर क्लोज, दे आर मेकिंग क्लोज लूप। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में हमको कैसे पता चलेगा? देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में हम लोगों को कैसे पता चला या कैसे पता चलेगा, तो वी मस्ट यूज आयन स्प्रिंकल और कोबाल्ट स्प्रिंकल, कोबाल्ट फिलिंग जो है उसकी वजह से जो है अगर हम लोग स्प्रिंकल कर दें तो हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में भी पता चल जाएगा। सो दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर डेवलप्ड। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल वे में समझा दूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है। अगर आप बहुत छोटा सा एक आयन का बहुत छोटा सा पार्टिकल लो, आयन पार्टिकल है ना, और ये आयन पार्टिकल को इफ यू अलाउ टू मूव, अगर इसको आप इस छोटे से पार्टिकल को इफ यू अलाउ टू मूव तो ये पार्टिकल ये पाथ पे चलेगा, मतलब यहाँ तक आएगा, अंदर तो नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से लेके यहाँ पर चलेगा। तो जिस पाथ पे ये पार्टिकल चल सकता है ना उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। सो ये वाला आयन पार्टिकल अगर इसको हम लोग चलाए खुद तो नहीं चलेगा, बट अगर हम लोग जो है कुछ ऐसी अरेंजमेंट करें जिससे ये पार्टिकल चल सके तो ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, है ना। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि हम लोगों ने ये तो देखा कि ऑर्स्टेड के तहत ऑर्स्टेड ने जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट में अगर आपने जो है जो डायरेक्शन में आपने थंब को रखा और अगर आपने इस डायरेक्शन में कॉल किया तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको ये डायरेक्शन में आ गई। अगर आपने क्या कर दिया कि अगर ये वायर अगर आपने सर्कल बना दिया, ये वाला ऐसे सर्कल बना दिया और यहाँ से अगर आप इसको बैटरी को कनेक्ट कर दो तो यहाँ पर क्या होगा, करंट ऐसे पास होगा, करंट ऐसे पास होगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको कैसे मिलेगी, सॉरी
ये वाली आपको ऐसे मिलेगी, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये वाली लाइन आपको ऐसे मिलेगी। यहाँ पर आपको राइट हैंड ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ऐसे मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको यहाँ से ऐसे मिलेगी। मतलब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मतलब यहाँ से बाहर निकलेगी, अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ से ऐसे बाहर निकलेगी, अंदर की तरफ जाएगी। तो ये वाला जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिरेक्शन में देखिए जिस डिरेक्शन में करंट चल रहा है उससे एग्जैक्टली ऑपोजिट डिरेक्शन में यहाँ पर करंट चलेगा। तो यहाँ से बाहर की तरफ निकलेगी, अंदर की तरफ जाएगी, लेकिन यहाँ से ये अंदर से बाहर की तरफ आएगी। मतलब यहाँ पर अगर आप ये डिरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को मान रहे हो तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे आएगी, मतलब ये सर्कल से बाहर की तरफ आएगी। तो ये वाला जो है अगर हम लोग सर्कल बना दें तो इससे ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन्स बन जाएगी। ओके, सो ये सर्कल के अगर सेंटर में देखा जाए है ना, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स देखेंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। देखिए यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कौन सी हो रही है, तो यहाँ पर ये अंदर की तरफ और यहाँ पर करंट ये बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ और ये बाहर की तरफ। मतलब अगर इसके दो सेपरेट पार्ट करोगे तो यहाँ पर वो अंदर की तरफ जा रही होगी तो यहाँ से बाहर की तरफ आ रही होगी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कल। अब हम लोग सोलेनॉइड की बात करें, क्या करेंगे सोलेनॉइड की बात करेंगे। व्हाट इज सोलेनॉइड? द सोलेनॉइड इज नथिंग बट इफ यू टेक अ लॉन्ग वायर एंड इफ यू मेक द हेलिकल शेप, मतलब हेलिकल शेप ऑफ दिस वायर ऑफ क्लोजली बाउंड वायर, मतलब ये वायर को आप क्या करोगे कि इस वायर को लेके ऐसे आप उसको ऐसे हेलिकल शेप में अगर उसको वाउंड करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सोलेनॉइड बन जाएगा। अब ये सोलेनॉइड से अगर आप ये डिरेक्शन में करंट चलाते हो तो यहाँ पर ये डिरेक्शन में करंट चलेगा, ऐसे चलेगा। तो ये वाला जो है यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जनरेट होगी और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस डिरेक्शन में होगी, ये सोलेनॉइड भी हमको एक्ट करेगा एज ए बार मैग्नेट। मतलब अगर बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी अगर हम लोग लाना चाहते हैं किसी वायर में, सो वी विल हैव टू मेक अ सोलेनॉइड। तो ये वाला जो है सोलेनॉइड, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये डिरेक्शन में जाएगी, यहाँ पर देखोगे तो ये डिरेक्शन में जाएगी। मतलब अगर आप सोलेनॉइड का एक सर्कल लोगे ऐसे है ना, तो ये डिरेक्शन में आप देखोगे तो अंदर की तरफ, यहाँ पर भी ये डिरेक्शन में देखोगे तो अंदर की तरफ। तो यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको ऐसे मिलेगी। अब यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे मिलेगी तो क्या मतलब हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जब बाहर निकलेगी तो दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस विल बिहेव एज अ नॉर्थ पोल एंड दिस विल बिहेव एज अ साउथ पोल। तो सोलेनॉइड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है आपको प्रॉपर्टी दिखाई देगी, जैसे बार मैग्नेट के अंदर जो है अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये वाला आपके पास साउथ और ये वाला नॉर्थ, तो ये वाला नॉर्थ और ये वाला आपका साउथ। तो ये मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है और नॉर्थ से बाहर निकलती है, मतलब ये वाला आपको साउथ दिखाई देगा और ये वाला आपको नॉर्थ दिखाई देगा। जैसे ये बार मैग्नेट की है तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, अगर साउथ में ऐसे लिखूँ और नॉर्थ में ऐसे लिखूँ तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये वाला आपको बन जाएगा सोलेनॉइड। इसके बारे में हम लोग बाद में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वाला जो है अगर आप देखोगे तो दिस इज द सोलेनॉइड विच विल एक्ट एज अ बार मैग्नेट। अब ये बार मैग्नेट के अंदर क्या होता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता। ये परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होता, जब हम लोग करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो ये मैग्नेटिज्म गायब हो जाएगा है ना, मैग्नेटिज्म विल डिसअपीयर आफ्टर दैट मीन्स व्हेन वी स्विच ऑफ द करंट है ना। तो करंट को हम लोग बंद करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर भी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बंद हो जाएगी। अब जब करंट को स्टार्ट करेंगे तो सोलेनॉइड के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विल स्टार्ट। तो ये सोलेनॉइड जो है ऐसे बिहेव करेगा जैसे बार मैग्नेट है, लेकिन बार मैग्नेट के अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, यहाँ परमानेंट मैग्नेटिज्म नहीं होगा।
ओके। तो हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, तो हम लोगों ने जो आज पढ़ा था वो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म इज द फिनोमिनन व्हिच इज नोन टू मैनकाइंड 2000 इयर्स अगो। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मैग्नेटिज्म के दो सोर्स है, परमानेंट मैग्नेट एंड वी कैन से इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो अब परमानेंट बार मैग्नेट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ा, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा कि परमानेंट मैग्नेट की जो पहली प्रॉपर्टी है इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर, मतलब पहला उसका अट्रैक्टिव नेचर होगा। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने पढ़ा अट्रैक्टिव नेचर, ये आयन फिलिंग्स को और कोबाल्ट फिलिंग्स को जो है ये अट्रैक्ट करता है। फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि ये मैग्नेट जो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी बताता है कि जब भी इसको सस्पेंड किया जाए फ्रीली सो इट विल अलाइन इटसेल्फ इनटू नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, तो आप इसके नॉर्थ और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपको अलग अलग मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये आपको अलग अलग कभी भी नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि फोर्थ वन के लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर उसके बाद जो है इंडक्टिव नेचर, तो उसके बाद जो है इंडक्टिव नेचर कैसे होगा, सो इंडक्टिव नेचर जो है अगर आप जो है किसी भी परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को बार मैग्नेट को इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के नियर, इफ द परमानेंट बार मैग्नेट स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट इज कैप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम नियर टू आवर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल देन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन दिस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विल ऑल्सो डेवलप, है ना। फिर उसके बारे में हम लोगों ने आगे भी पढ़ा कि अगर आप लोग बार मैग्नेट लोगे और बार मैग्नेट के अंदर जो है अगर आप जो है यहाँ पर आयन की फिलिंग को स्प्रिंकल करोगे सो क्या होगा, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पैटर्न बन जाएगी, है ना। एंड दिस स्पेसिफिक पैटर्न जो है ये बार मैग्नेट के आसपास ऐसे बन जाएगी, तो यहाँ से जो है स्पेसिफिक पैटर्न आपको ऐसे मिल जाएगी, मतलब ये वाली जो है आपको स्पेसिफिक पैटर्न जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगी, मतलब ये वाली जो है आपको आयन फिलिंग्स एक स्पेसिफिक डिज़ाइन बनाएगी। दिस इज बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स क्या होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज नथिंग बट दे विल गिव यू आइडिया अबाउट द मैग्नेटिज्म प्रेजेंट अराउंड द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताती है। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द आयन, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ऑर्स्टेड का एक एक्सपेरिमेंट भी देखा, तो ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने ये देखा कि जब उसने करंट चलाया तो यहाँ पर जो नीडल थी कंपास की नीडल उसने डिफ्लेक्शन बताया, मतलब जहाँ जहाँ पर भी करंट होगा वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो डेवलप होगी। तो ये वाली जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपको मिल जाएगी ऑर्स्टेड के उसमें। फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर ये पूरे वायर को अगर हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे बना देते हैं और यहाँ से करंट पास करेंगे, है ना, तो ये वाला क्या होगा कि यहाँ से ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आएगी, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अंदर की तरफ जाएगी, तो अंदर की तरफ जा रही है उसको हम लोग क्रॉस बताते हैं और ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी अंदर की तरफ जाएगी, है ना। तो यहाँ से भी ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी, मतलब यहाँ से बाहर आके ऐसे अंदर जाएगी, यहाँ से बाहर आके ऐसे अंदर की तरफ जाएगी, सो यहाँ पर आपको जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब ऐसे बहुत सारे जो है हम लोग यहाँ पर ऐसे एक बड़ा वायर का बहुत सारे जो है हम लोग ऐसे हेलिकल शेप में इस वायर को अगर हम लोग मोड़ देते तो ये वाला हमारे को सोलेनोइड मिल जाएगा, एंड इन दिस सोलेनोइड यहाँ पर भी जो है अगर आप करंट जिस डिरेक्शन में चलाते हो तो उस डिरेक्शन के हिसाब से आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स मिल जाएगी, मतलब यहाँ पर यह डिरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी और यहाँ पर सोलेनोइड के अंदर पूरा के पूरा जो है मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन यह सोलेनोइड जो है हम लोग चलाते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ से करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी डिसअपीयर हो जाएगी, मतलब दिस इज द बार मैग्नेट,
आर्टिफिशियल बार मैग्नेट जिसको हम लोग हमारे हिसाब से चला सकते हैं, जैसे परमानेंट बार मैग्नेट का जो है मैग्नेटिज्म, अगर आप चाहो कि ये बंद कर दे तो ये नहीं करेगा, लेकिन ये सोलेनोइड जो है इसके जैसा ही मैग्नेटिज्म बताता है, अगर आप चाहोगे कि ये मैग्नेटिज्म बंद हो जाए तो हम लोग इसको बंद कर सकते हैं। सो आज हम लोग जो है मैग्नेटिज्म में इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ओके, पढ़ाई करते रहिए।